सत श्री अकाल जी। अज की इस वीडियो के असी कैनेडा के नाल संबंधित कुछ खास खबर कुछ ही मिनटों के जानेंगे, पर उस तो पहले तुहानू बेनती है कि चलती चलती वीडियो में लाइक और चैनल सबसक्राइब जरूर कर लवो। आओ हुण शुरुआत करते हैं पहली खबर तो। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के वलों कैनेडा वापस आने तो पहला वैक्सीन मैनुफैक्चरिंग प्लांट का किया जाएगा दौरा। पूर्स बेलजियम के स्थित है फाइजर बायोटेक वैक्सीन मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी। रिसर्च के डाटा के अनुसार एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दिया दो डोजा के मुकाबले दी फाइजर दी बायोटेक वैक्सीन दिया दो डोजा डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ हैं ज़्यादा असरदार। कैनेडा के सूबे क्यूबेक के वलों देर रात 2 बजे तक बार्स नूं अल्कोहल सर्व करन अते खुले रहन दी दित्ती जाएगी इजाजत। क्यूबेक के बार ओनर्स के वलों सरकार तों कीती जा रही सी मंग। कैनेडा में कोरोना वायरस के केसिस की गिणती के आई वड्डी गिरावट। साल 2020 के सितंबर महीने तो बाद पहली बार कैनेडा के सोमवार को कोरोना वायरस के केसिस की गिणती रही 1000 तो घट और सोमवार को सिर्फ 945 कोरोना वायरस के नवे मामले सामने आए। कैनेडा के सूबे अंटारियो के वलों 16 जून में हटाई जाएंगी प्रोविंशियल बार्डर रिस्ट्रिक्शनज। लोग मैनिटोबा के क्यूबिक तो एक बार फिर अंटारियो के लिए कर सकेंगे ट्रैवल। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ रहे मामलों को ठल पाने के लिए लगाई गई सन पाबंदियां और सिर्फ असेंशियल ट्रैवल करन दी सी आज्ञा, पर हुण बुधवार तो एक बार फिर लोग कर पाएंगे ट्रैवल। डेमोक्रेटिक ब्रायन हिगन के वलों सीटीवी न्यूज़ के नाल गलबात दौरान कहा गया कि तुरंत खोलिया जाना चाहिए है कैनेडा अमरीका बॉर्डर नॉन असेंशियल ट्रैवल के लिए। कैनेडा अमरीका बार्डर मार्च 2020 तो है बंद। ये सन कुछ खास अपडेट जो अज के दिन के दौरान सामने आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट खबर पंजाबी।